लाइफ डायरेक्टेड बाय डैनियल एस्पिनोसा, ये जो मूवी है 2017 में आई थी, और रिव्यू मैं इसका इसलिए 2019 में कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ एक टाइम पहले ये मूवी देखी थी और मुझे ये मूवी बड़ी पसंद आई। तो सोचा मेरे जैसे काफ़ी सारे लोग होंगे जिन्होंने ये मूवी नहीं देखी है, उनको ये मूवी मैं रिकमेंडेड करूँ। एक अच्छी मूवी है, मतलब कि साइंटिफिक है, इसके अंदर एलियन है, हॉरर है, इंटरेस्ट है, सब कुछ, ड्रामा बहुत अच्छे से इसमें पेश किया गया है। देखो नया तो इसमें ऐसा, मतलब क्रिएटिविटी बस ये है कि एक नया जीव है इसके अंदर, एलियन की हमने बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं, वैसे ये एलियन वाली मूवी है। और कई मूवीज़ में एलियन गंदा, मतलब कि बुरा होता है, कईयों में अच्छा होता है, ये बुरे वाली मूवी है। इसके अंदर ये जो एलियन है वो बुरा है। ओके, स्टार्ट करते हैं। इसकी जो स्टारिंग है, इसके अंदर जिन्होंने किरदार निभाया है, फर्स्ट ऑफ ऑल है जैक गैलनबॉल, रेबेका फ्रैक्शन, रियान रेनोल्ड्स, हिरोइकी सनाडा, एरियन ब्रैकरोल। ओके, जो मूवी की स्टार्टिंग है वो स्टार्ट होती है, ये जो मूवी है एक स्पेस स्टेशन में, ये स्पेस स्टेशन लौट रहा होता है अर्थ अर्थ की तरफ, मार्स में, मार्स से, वो मार्स से कुछ एक, मतलब मंगल ग्रह से कुछ एक सैंपल लेके आ रहे होते हैं। उन सैंपल में 6 मिट्टी के सैंपल होते हैं जिनमें यह दावा किया जाता है कि इनके अंदर लाइफ होती है। अब लाइफ होती है इस चीज़ को लेके बड़े खुश हो रहे होते हैं 6 के जिस 6 क्रू मेंबर होते हैं इस स्पेसशिप के अंदर या स्पेस स्टेशन के अंदर। और जब वो वापस आ रहे होते हैं तो इनमें एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर ह्यूज डेरी, जिनका जो ये जो डॉक्टर ह्यूज डेरी है, जिनको निभाया है एरियन एरियन बैकरोल ने। इंग्लिश में बोलें तो वो एक वैज्ञानिक होते हैं जिनको, मतलब इंग्लिश में, मतलब कि ये वैज्ञानिक है, इंग्लिश में बोलें तो एक्जो बायोलॉजिस्ट हैं, जो मतलब कि जो स्पेस के, एक्जो बायोलॉजिस्ट एक टर्म होती है जिस स्पेस के बाहर के जो जीव होते हैं उनका अध्ययन करना, तो ये वो होते हैं। अब क्या करते हैं ये, कुछ ना कुछ ऐसा एनवायरनमेंट के अंदर, वो स्पेस स्टेशन के अंदर एक लैब होती है, उस लैब के अंदर वो इस 6 सैंपल में से एक सैंपल निकालते हैं और कैसे ना कैसे वो एनवायरनमेंट में थोड़ा तो चेंज करके इस जीव को, इस सैंपल को, एक को वो जगा देते हैं। मतलब उनको, वो सो रहे होते हैं या मर रहे होते हैं मुझे नहीं पता, मरे हुए होते हैं, वो उनको जगा देते हैं। जागने के बाद मतलब सब क्रू मेंबर बहुत खुश होते हैं। ये बात वो अपने जो अर्थ में होते हैं, अर्थ में जो नासा होती है उनको बताते हैं। फिर इन 6 क्रू मेंबर का इंटरव्यू होता है, कुछ एक स्टूडेंट लेते हैं वो अर्थ से ही, कोई स्कूल इंटरनेशनल कैलविन स्कूल के नाम से ही। तो इन्होंने, ये जो स्टूडेंट होते हैं वो इस जीव का नाम कैलविन ही रख देते हैं। अब कैलविन रखना अच्छा मुझे लग रहा है कि बताऊं, कैलविन मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि बार बार मुझे इसे जीव नहीं बोला जाएगा। तो ये कैलविन जो होता है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, एज यूजुअल कि हर एक एलियन मूवी में, एलियन मूवी में तो एलियन इंटेलिजेंट होता है, इंसान तो बोंदू होता है उसको तो बोंदू ही दिखाया गया है। चलो अच्छी बात है, मतलब अगर उसे समझदार दिखा देंगे इंसान को तो मूवी कहाँ से इंटरेस्टिंग बन जाएगी। तो ऐसा करके ये जो कैल्विन है बहुत ज़्यादा, मतलब इंटेलिजेंट होता है, बहुत चीज़ों को जल्दी सीखता है, ग्रैब करता है चीज़ों को। अब क्या होता है, जब ये इंटरव्यू हो गया होता है, इंटरव्यू के बाद जब ये आ रहे होते हैं, इंटरव्यू खत्म होने के बाद फिर रास्ते में होते हैं, मतलब थोड़ी सी दूर नहीं, मतलब कि वो अपने स्पेस में ही होते हैं, आ रहे होते हैं तब। तो रास्ते में कोई ऐसी, शायद वो डॉक्टर ह्यूज है, वो उनकी एक लापरवाही की वजह से जो लैब में है कुछ एक ऐसी घटना हो जाती है जिसके अंदर जो कैल्विन होता है वो मर जाता है, वापस अपनी मरी हुई स्टेट में पहुंच जाता है जैसे वो पहले था, जिसे वो देखकर डॉक्टर ह्यूज बड़े ही, मतलब कि उनको दुख होता है कि एक जो वो खोज उन्होंने की थी कि भी एक जीव उन्होंने उन्हें मंगल ग्रह से मिला है, पता नहीं इस जीव के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती, शायद उन्हें ठीक कर पाता। जो मैं यहाँ बता दूँ, वो डॉक्टर ह्यूज जो थे वो अपाइज थे, वो इस उम्मीद में थे कि शायद इस जीव से कुछ हमें ऐसा सीखने को मिल जाए जिससे पोलियो की बीमारी ठीक हो जाए। तो वो उस चीज़ को लेके बड़े खुश थे, फिर उनको ये पता चलता है कि ये वापस उसी कंडीशन में पहुंच चुका है, वापस मर चुका है, तो वो बड़े दुखी होते हैं। अब वो एनवायरनमेंट में फिर से चेंज करते हैं जिससे वो वापस जिंदा नहीं होता। अब वो ट्राई करते हैं कि इस कैल्विन को एक इलेक्ट्रिक शॉक दे के जिंदा किया जाए। अब जैसे ही इसे इलेक्ट्रिक शॉक मिलता है, ये जाग तो जाता है, लेकिन ये जो कैल्विन है इसको लगता है कि इसके ऊपर किसी ने हमला कर दिया। जैसे ही ये इसे फील होता है, ये क्या करता है, डॉक्टर ह्यूज का ये हाथ तोड़ देता है और अपने आप को वहाँ से बाहर निकाल लेता है, वो स्पेस स्टेशन के अंदर आज़ाद घूम रहा होता है। अब ये क्या होता है, ये कैल्विन किसी चीज़ के ऊपर जाता है, उसको सोखता है, अपने शरीर के अंदर सोख लेता है, फिर ये बड़ा होता है बहुत रैपिडली स्पीड से, मतलब कि इतना तेज़ी से बड़ा होता है कि स्टार्टिंग में बस एक बिल्कुल ही एक मिट्टी के कण के बराबर, और
एंड में आते आते तो बहुत बड़ा हो जाता है ये। अब मूवी बड़ी इंटरेस्टिंग है, हॉरर है इस मूवी के अंदर, ड्रामा भी मतलब कि बहुत अच्छे से क्रिएट की गई, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने आज की डेट में अभी मूवी देखते आ रहे होंगे, अभी सारी शायद वो उन्होंने हॉलीवुड बॉलीवुड मूवी देख भी ली होंगी। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिन्होंने अभी शायद वो चाहते हैं कि हम ऐसी कोई मूवी देखें, जिन्होंने वो नहीं देखी है या उनको कईयों को नाम नहीं पता होता, तो ये लाइफ ये जो मूवी है वो बहुत अच्छी मूवी है, आप इसको देख सकते हैं, आपका मतलब कि एंटरटेनमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा इस मूवी से। बस आज के लिए इतना ही था और मैं इस मूवी को देना चाहूँगा 8 out of 10 स्टार। देखो बहुत पुरानी मूवी है, 2 साल पहले की मूवी है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि स्टार ना दें, स्टार दे दिए, अच्छी मूवी है, देखो जाके। आई होप सो आप लोगों को ये मूवी अच्छी लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर लाइक नहीं किया है अभी तक, यहाँ तक देख लिया है तो लाइक तो बनता है ना, एक छोटा सा लाइक, छोटा क्या बड़ा क्या, लाइक तो लाइक ही होता है, उसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को। जय हिंद।